अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप गिनाज किचन में आपको बहुत सारा प्यार और दुआएं। आज हम आपके लिए बना रहे हैं बटर आइसिंग। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमने रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सॉफ्ट 200 ग्राम बटर लिया है। गुड क्वालिटी बटर यूज़ करिएगा, वरना आपकी आइसिंग अच्छी नहीं बनेगी। जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो वो बटर मत लीजिएगा, अच्छे ब्रांड का अनसॉल्टेड बटर लीजिएगा। मैं यहाँ अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। 200 बटर और 200 ही हमने आइसिंग शुगर ली है। जितना बटर उतनी आइसिंग शुगर। अगर आपको कम बनानी है तो आप इसी क्वांटिटी को कम कर लें। फ्यू ड्रॉप्स हम इसमें यूज़ करेंगे वनीला एसेंस। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसकी बीटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्लो से स्टार्ट करूँगी। तो देखिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ेगी। तो मैं इसमें एक एक दो दो स्पून ऐड करती जाऊंगी और बीटर को चलाती जाऊंगी। साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर देती हूँ, फ्लू ड्रॉप्स। आप लोग चाहें तो कोई और फ्लेवर की भी बना सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, आलमंड, कॉफ़ी, जो भी फ्लेवर बनाएं उसमें वही एसेंस यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीका है बनाने का कॉफ़ी आइसिंग भी, बस उसमें कॉफ़ी ऐड कर देंगे हम। तो चले मैं एक एक स्पून करके इसमें ऐड करती हूँ। अभी मैं इसको लो पे ही कर रही हूँ। डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। ये देखिए, ये सारी हमारी आइसिंग शुगर चली गई। थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए तो मैं स्पीड को तेज कर दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट्स हो गए मुझे बीट करते हुए और इसका आप टेक्सचर और कलर देखें। मेरा जो बटर था वो मैंने येलो कलर में लिया था, येलो बटर था लाइट सा, और अब ये वाइट कलर हो गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने गुड क्वालिटी बटर लिया है, तो 10 मिनट्स बीट करते हुए हो गए, मेरा बटर आइसिंग फटी नहीं है। वरना जो आप लोकल बटर लेते हैं उसमें बटर 2 मिनट बाद ही फट जाता है, अलग हो जाता है, शुगर अलग बटर अलग। तो इसलिए हमेशा गुड क्वालिटी का करें। 4 से 5 मिनट में इसको और करूंगी ताकि ये और फ्लफ़ी हो जाए। और देखिए क्वांटिटी भी इसकी कितनी ज़्यादा हो गई, जितना बीट करेंगे ये और फ्लफ़ी होता जाएगा। तो देखें ये थी हमारी बटर आइसिंग। इसका टेक्सचर आप देखें कितनी क्रीमी, ये देखें यही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।